Oh.
ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्य साईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ परतीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणा पूर्णा लोकमंगल सिद्धये चित्रावती तट विशाल सुशांत सौधे तिष्ठन्ति सेवक जनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपासहितदर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिं सन्दर्शनाभिरति संयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तान् दिगंतर विशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक
उपतिष्ठति चाश्रमे स्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वंगना करगृहीत सुपुष्पहारा सुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वा श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञान विज्ञान शोभिता मंगलं गुरुदेवाय मंगलं ज्ञानदायिने मंगलं पर्तिवासाय मंगलं सत्यसाईने। ओम श्री साई भगवान श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजन प्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्ति मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई पर्तिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई निषक्काय शिरडी वासिने नमः। ओम श्री साई जोडी आदिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषि गोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्त वत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपांतरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतार मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तंभ सूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेद शक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाय वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तटपुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्ति प्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागत त्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः।
ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आतत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः। ओम श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनंतनुतकर्त्रिणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकांबरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बांधवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमंदाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदररूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ओम श्री साई सकलतत्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगींद्रवंदिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः।
ओम श्री साई सुलभ प्रसन्नाय नमः। ओम श्री साई भगवान श्री सत्य साई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम भगवान बाबा के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को मेरा सादर सप्रेम नमन। आइए अब हम ज्योति ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएं, सुखासन पद्मासन अथवा कुर्सी पर सीधे बैठें। ध्यान रखें कमर में कोई झुकाव न हो, दोनों हाथ घुटनों पर चिन मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरा श्वास लें। श्वास भरते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि होती है, जिसका अर्थ है मैं वही हूं, मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लंबे गहरे श्वासों के साथ सो हम का स्मरण करते रहें। आइए भगवान बाबा की दिव्य वाणी में सो हम मंत्र का अपने श्वासों के साथ स्मरण करें। सो हम अब धीरे से आंख खोलकर अपने सामने विराजमान दिव्य ज्योति को नमन करते हुए खुली आंखों से एक टक ज्योति को देखते रहें। फिर नेत्र बंद करके अपने समक्ष इस दिव्य ज्योति के मानसिक दर्शन करें। यह दिव्य ज्योति मेरी ओर बढ़ रही है और मेरे मस्तक के बीच दोनों भौहों के मध्य के भाग को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है। अब यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और गले के मार्ग से होते हुए मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल को स्पर्श कर रही है। दिव्य ज्योति के स्पर्श से मेरा हृदय कमल धीरे धीरे खिल रहा है। इस गुलाबी रंग के सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, जो कि दिव्य गुणों का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां हैं सत्य, धर्म, शांति, प्रेम,
अहिंसा, दया, क्षमा और इंद्रिय निग्रह। मेरे हृदय कमल को प्रकाशित, पवित्र एवं प्रेम से परिपूर्ण करते हुए यह दिव्य ज्योति अब ऊपर की ओर बढ़ रही है और पुनः गले के मार्ग से होते हुए मेरे मस्तिष्क को प्रकाशित कर रही है। स्वस्थ, सकारात्मक और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। इसके उपरांत यह दिव्य ज्योति मेरे नेत्रों को प्रकाशित कर रही है, पवित्र कर रही है, स्वस्थ कर रही है। मेरे नेत्र अब केवल कल्याणकारी दृश्य ही देखेंगे और हर जगह भगवान के दर्शन करेंगे। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, मेरे नेत्रों को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे कानों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और पवित्र कर रही है। अब मेरे कान कल्याणकारी शब्द ही सुनेंगे, हरि कथा एवं भजनों का ही श्रवण करेंगे। भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवाः, अब यह ज्योति मेरी नासिका को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है, मेरी हर श्वास को पवित्र कर रही है। मेरी हर श्वास सोहम के दिव्य मंत्र से अनुगुंजित हो रही है। हर अंदर जाती हुई श्वास मुझे सकारात्मकता से भर रही है और बाहर आती हुई श्वास मेरे भीतर से नकारात्मकता को बाहर निकाल रही है। मेरी नासिका को पवित्र करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे मुख के भीतरी भाग को पवित्र, स्वस्थ एवं प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा को पवित्र, प्रकाशित कर रही है। मेरी जिह्वा केवल सत्य, प्रिय, मधुर और संयमित शब्द ही बोलेगी और केवल स्वास्थ्यप्रद, शाकाहारी, सात्विक आहार को ही ग्रहण करेगी तथा निरंतर भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करती रहेगी। अब यह ज्योति मेरी गर्दन और गले के भाग को प्रकाशित और स्वस्थ करती हुई, वोकल कॉर्ड्स को पुष्ट करती हुई नीचे की ओर बढ़ रही है और मेरे वक्षस्थल को प्रकाशित करते हुए मेरी दोनों भुजाओं को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है एवं सेवा कार्यों के लिए प्रेरित कर रही है। अब मेरे वक्ष भाग में बाई ओर मेरे हृदय को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान कर रही है, प्रेम से परिपूर्ण कर रही है और मेरे फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है, स्वस्थ और ऊर्जावान बना रही है। और अब यह ज्योति मेरे उदर यानी पेट के भाग को प्रकाशित कर रही है और पेट के सभी अंगों को स्वस्थ और ऊर्जित कर रही है। यह ज्योति नीचे की ओर बढ़ते हुए मेरे पेडू भाग यानी पेल्विक कैविटी को प्रकाशित और स्वस्थ कर रही है और अब मेरी दोनों टांगों को स्वस्थ, प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रही है। इसके उपरांत यह ज्योति धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और मेरी कमर को स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रकाश से परिपूर्ण कर रही है। मेरे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित कर रही है। मेरुदंड के निचले सिरे पर स्थित मूलाधार चक्र को यह प्रकाशित और पवित्र कर रही है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि क्षेत्र में मणिपुर, हृदय क्षेत्र में अनाहत, कंठ में विशुद्धि, मस्तक में आज्ञा
और कपाल में सहस्रार चक्र को प्रकाशित पवित्र एवं स्वस्थ बना रही है। मेरे सिर से पांवों तक संपूर्ण शरीर इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरा हर एक अंग प्रत्यंग, मेरा हर एक रोम रोम इस दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो रहा है। मेरे अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक प्रकाश पुंज सा हो गया है। मेरे संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करते हुए यह दिव्य ज्योति मेरे शरीर से बाहर के वातावरण को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, प्रकाशित और प्रेम से परिपूर्ण कर रही है। मेरे सभी संबंधियों, मित्रों को प्रकाशित और स्वस्थ बना रही है। जिनके प्रति हमारा मन मुटाव है या जिनका हमसे मन मुटाव है, द्वेष है, उन सबको दिव्य प्रेम से पूरित कर रही है और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सहयोग को बढ़ा रही है। अब इस ज्योति का प्रकाश चारों ओर विस्तृत तरंगों के माध्यम से फैल रहा है और विश्व के सभी प्राणियों, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों को प्रकाशित कर रहा है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम, शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है। मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं प्रकाश में हूं। अब यह ज्योति प्रकाश मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है और मेरे हृदय कमल में जाज्वल्यमान हो रहा है। मेरे हृदय कमल को निर्मल, पावन, पवित्र बना रहा है। मुझे अनुभूति हो रही है कि प्रकाश मुझ में है। धीरे धीरे आंतरिक और बाहरी प्रकाश एक हो रहा है और मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं ही प्रकाश हूं। मैं दिव्यात्म स्वरूप हूं। मैं यह नाशवान शरीर नहीं हूं, अपितु अजर, अमर, अविनाशी, सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शांति स्वरूप, सच्चित आनंद आत्मा हूं। हर श्वास के साथ उसकी अनुभूति हो रही है। सो हम, सो हम। इस स्थिति में कुछ समय के लिए अपनी वास्तविकता की अनुभूति करते रहें, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ एकाकार होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही ध्यान का लक्ष्य है।
तमसो मा ज्योतिर्गमया कुत्यो मा अमृतं गमया मन क्रत संवत्सरम वच्चिंदी नाडु आज नवीन वर्ष की शुरुआत है। इंटिलो पंडुग चेसुकुंटावु हम त्योहारों को देखते हैं और घर पर मनाते हैं। अनेक रकालुगा आनंदिस्तामु हम उत्सवों पर हर्ष व उल्लास के वातावरण का आनंद लेते हैं। ఎంతవరకు पर हम किस सीमा तक आनंद लेते हैं? ఒక దినం కూడాను పూర్తి ఉండదు। वो आनंद एक पूरे दिन भर भी नहीं रहता। ఇది కాదు మన ఆనందము। यह आनंद नहीं है। ఇది కాదు మన నూతన సంవత్సరం। यह सच्चा उत्सव मनाना भी नहीं है। వచ్చినటువంటి ఆనందము శాశ్వతంగా ఉండాలి। सच्चा आनंद तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहिए। నూతనమైన సంవత్సరం కదా, ఈ సంవత్సరంలో ఏ మార్పు జరుగుతుంది అని మీరు భ్రమించవచ్చు। तुम सोच रहे होगे कि किस तरह के परिवर्तन तुम इस नवीन वर्ष में देखोगे। మీకు తెలుసును ప్రతి దినం కూడాను జరుగుతున్నటువంటి యొక్క ప్రతిఫలము మీరు అనుభవిస్తూనే ఉన్నారు। वास्तव में हम दिन भर अनेक अनुभवों से गुजरते हैं। ये अनुभव हम अपने ही कार्यों के परिणामों के कारण महसूस करते हैं। ये जगत में జరిగేటువంటి యొక్క సత్కర్మ దుష్కర్మలంతా కూడాను దినదినములకు పెరిగిపోతున్నవే కాని తరుగుటకు వీలు కాదు। इस संसार में अच्छे और बुरे कर्म बढ़ते ही जा रहे हैं और कम नहीं हो रहे हैं। ప్రతి మానవుడు కూడాను సత్కర్మలు ఆచరించాలి। ప్రత్యేక మానవుకు సత్కర్మ కర్నా చాహియే। అందుకోసమనే ప్రతి మానవుడు కూడాను సత్సంగంలో మనం చేరాలి అన్నారు। హమే ఆవశ్యక రూపసే సత్సంగ కర్నా చాహియే। సత్సంగం అంటే ఏమిటి? సత్సంగ క్యా హే? సత్ అనగా ఏమి? త్రికాల భాగ్యం సత్యం। సత్య యానే వహ్ జో సమయ కే సాత్ పరివర్తిత్ నహీ హోతా అర్థాత్ భూతకాల వర్తమాన్ కాల్ वह भविष्य काल में कभी नहीं बदलता। మూడు కాలములు ఎందుకును మార్పు చెందనటువంటిది సత్. సత్ తీనో కాలో మే పరివర్తిత్ నహీ హోతా। సత్యక సంగాని మనం కూడాలి। హమే ఐసే హీ సత్య కీ సంగతి మే రహనా చాహియే। అప్పటికప్పుడు భజనలు చేసి అప్పటికప్పుడు ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి మనం విన్నటువంటివి అవి సత్సంగం కింద చేరవు। భజన్ వ భాషణ్ జిస్మే హమ్ భాగ్ లేతే హై वे कुछ समय के लिए ही आनंद देते हैं, वे सत्संग के अंतर्गत नहीं आते। भयम सुनवंती नी मोटा मोटा मंच माटल विनु। पहले अच्छे शब्दों को सुनो। मंच माटल विनु, मंच चूपलो चूडु, मंच इदि विषयमुलो कर्मल आचरिंचु। अच्छे शब्दों को सुनो, अच्छा देखो और अच्छे कार्यों में रत रहो। ఇది మను చక్రవర్తి మానవులకు అందించినటువంటి ఒక మూడు ప్రధానమైనటువంటి మంత్రములు। మనునే మానవతకు ఈ తీన్ మూల్ మంత్ర దియే హై। దీనిని మనం ధర్మశాస్త్రంలో పోయేటప్పుడు మను శాస్త్రాన్ని ఆధారంగా తీసుకుంటారు। ఇస్లియే మను శాస్త్ర కో ధర్మ శాస్త్రం సే జుడా హువా మానా జాతా హై। మానవుడు ఈ మూడు మంత్రాలు మాత్రము నిత్య జీవితంలో అనుభవించాలి। మనుషి కో ఇన్ తీనో మంత్రో కో జీవన్ మే అనుభవ కర్నా చాహియే। ఇలాంటి చేసినప్పుడే మనకు మంచి ఫలితం లభిస్తుంది। జబ్ తుమే సత్య కే అనుసార్ ఆచరణ కర్తే హో తో తుమే అచ్చా హీ ప్రాప్త హోతా హై। ప్రపంచములో ప్రతి మానవుడు కూడాను ఎన్నియో కర్మలు ఆచరిస్తున్నాడు। ఇస్ సంసార్ మే మనుష్య కై కార్య కర్తా హై। ఈనాడు లోకములో సంభవించినటువంటి ఒక భయ భ్రాంతులకు మూల కారణము మన యొక్క దుర్మార్గం సంకల్పం లే। హమ్ ఇస్ సంసార్ మే జో భయ वह दुष्टता पाते हैं, वो ऐसे ही दुष्ट विचारों का परिणाम है। ये दुर्भावन मन नुंची दुर्म कावलंटे दुस्संगमन मन चेरी कुछ अभिरुचि वर्ष कुटुन्नाम। सच्चाई यह है कि जब तुम बुरी संगत में होते हो तो तुम अपने आप में बुरे और दुष्ट विचारों को बढ़ावा देते हो। ऐसा करने पर तुम उनसे कभी मुक्ति नहीं पा सकते। डेवलप चेस्को अभिवृद्धि चेस्को। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग में रहो। सत्संगम चेता येदि कनिपिंचिना मंचिगा नीवु भाविंचु। जब तुम सत्संग में रहते हो तो जो भी तुम देखते हो वह तुम्हें अच्छा ही दिखता है। एक गोप विरोधी नीकु एदुरैपोयिनाडु। आ येरु विरोधी अयिनटुवंटि वाडु एदुरुगा वच्चिनप्पुडु ब्रे दुर्मार्गुडा नीवु नाकु इटुवंटि अपकारं चेसावु अनि वाडिपैन मनं उट्टिपडकूडदु।
जब तुम अपने दुश्मन को सामने पाते हो तो क्रोधित ना हो, यह मत कहो कि तुम उसकी दुष्टता से पीड़ित हो। प्लस, प्लस, प्लस। इस तरह का रवैया केवल समस्या को बढ़ाने का ही काम करता है। तुम्हारा और तुम्हारे दुश्मन का क्रोध मिलने से केवल क्रोध ही और बढ़ जाता है। నీ దుర్మార్గుడైనటువంటి దేశి నీకు ఎదురుకు వచ్చినప్పుడు హలో మిత్ర హౌ ఆర్ యు అని అడిగితే ఎంత ఆనందం ఇస్తుంది. జబ్ తుమ్ అప్నే సబ్సే ఖరాబ్ దుష్మన్ కా సామ్నా కర్తే హో ఔర్ యది కహతే హో హలో దోస్త్ కైసే హో ఇస్సే తుమే అత్యధిక ఆనంద మిల్తా హై. అప్పుడు వాడు కూడా నువ్వు ఫ్రెండ్ అయిపోతాడు. వే స్త్రీయ పురుష్ తుమారా మిత్ర బన్ జాతా హై. నీ వాడితో ఫ్రెండ్ అయిపోతావు. ఔర్ తుమ్ భీ ఉస్కే దోస్త్ బన్ జాతే హో. ఆనాటి ఇద్దరు కూడా ఫ్రెండ్షిప్ గా మారిపోతుంది. అతే తుమ్ దోనో హి దోస్త్ బన్ జాతే హో. కనుకనే నీవు పలుకరించేటువంటి పలుకు నువ్వు మృదుమైనటువంటిదిగా పలికించు. ఇస్లియే మధుర్ ఔర్ మీఠా బోలో. వారిని మన ప్రేమగా మనం ఉచ్చరించినప్పుడు మన ప్రేమ కూడాను వారి ప్రేమతో చేరి ఏకమైపోతుంది. జబ్ తుమ్ లోగో సే ప్రేమ పూర్వక్ బాత్ కర్తే హో యహ ప్రేమ దూసరే వ్యక్తి కే ప్రేమ సే మిల్కర్ ఏక్ హో జాతా హై. కనుక మనం ఈనాడు దేశము ప్రపంచంలో జరిగేటువంటి యొక్క క్రోధములు ఇవన్నీ తగ్గిపోవాలంటే మన క్రోధములు దేశములు చల్లార్చడానికి మృదుమైనటువంటి మాటలు రావాలి. संसार से घृणा और क्रोध को शांत करने के लिए हमें मीठा और कोमलता से ही बोलना चाहिए. हाँ, पवित्रमय प्रेम ने नी एक पवित्रमय प्रेम ने पेंचुतुंदि. यह पवित्र प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ेगा निरंतर प्रयास से. प्रेम बलचेतपड़की शांति एर्पड़तुंदि. जब तुम इस प्रेम को बांटते हो तो वहाँ पर शांति होगी. देयर इज कॉन्फिडेंस, देयर इज लव. जहाँ ये विश्वास है वहीं प्रेम होता है. Where there is love, there is peace. जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है. Where there is peace, there is truth. जहाँ शांति है वहाँ सत्य होता है. Where there is truth, there is God. जहाँ सत्य होता है वहीं ईश्वर होते हैं. इनके देश में करंदी. तब घृणा कहाँ है? कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस मोटा मोटा नमक नहीं पेंच को वाली. इसलिए सर्वप्रथम विश्वास और ईश्वर पर विश्वास को जागृत करो. ఆ నమ్మకాన్ని నీవు పెంచుకున్నప్పుడే నీ నుంచి శాంతం ఏర్పడుతుంది. ఇస్కే పశ్చాత్ తుమ్ ఆంతరిక్ శాంతి కా అనుభవ్ కరోగే. కనుక శాంతం మనకు కావాలంటే మనం ఉన్నటువంటి ఒక ద్వేషాన్ని మనం దూరం చేసుకోవాలి, విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. ఇస్లియే శాంతి పూర్వక రహనే కే లియే ఘృణా కో త్యాగ్ దో ఔర్ ఈశ్వర్ మే ఆస్థా ఔర్ విశ్వాస్ కో వికసిత్ కరో. ఓం జై జగదీశ హరే, స్వామి సత్య సాయి హరే. Narayana 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 Nar
समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।